बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ और कामयाबियाँ आपका और मेरा हम सबका मुकद्दर बने, आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोग के साथ पालक गोश्त की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोग मेरे चैनल कुक विद नूर स्पेशल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। मिलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया है। अब मैंने उसमें एक प्याज रफली कट करके ऐड कर दिया है। अब मैं इस प्याज को थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो गाइस, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्याज हमारा कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चे काट के ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें एक टमाटर कट करके ऐड कर दूँगी। अब हम दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। हमारी दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें 1 kg चिकन ऐड करूँगी। हम इन सब चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब तक मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को कुकिंग स्पेशल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। चिकन हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून खुश धनिया पाउडर ऐड किया है। हम इन सब स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। गाइस, आप लोग मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखा करें, इससे आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा इंग्रेडिएंट्स कब और कैसे ऐड किया है। गाइस, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सब कुछ कितना अच्छे से मिक्स हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को क़यामत के दिन इस तरह बुलाया जाएगा कि उनकी पेशानियाँ और उनके पाँव वज़ू के असार की वजह से चमक रहे होंगे। गाइस, सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। मैंने पालक ऐड कर दिया है। अब मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो गाइस, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी पालक गोश्त कितने अच्छे से पक चुकी है। अब ये सर्व होने के लिए रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाइस आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी पालक गोश्त कितनी मज़े की बनी है। बीफ में गाइस कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो उम्मीद करती हूँ कि गाइस आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को कुकिंग स्पेशल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।